तुम्हें शादी करनी है मुझसे? ठीक, मैं अभी के अभी इसी वक्त इसी मंडप में तुम्हारे साथ शादी करूंगा। सबके खिलाफ जाकर, सीता के खिलाफ जाकर, जो सिर्फ मेरा भला चाहती है। मोनिशा, एक बात तुम और मैं अच्छी तरीके से जानते हैं, उस रात होटल में मिलने से पहले हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। हम कभी नहीं मिले थे। उस रात को हम पहली बार मिले थे और तुमने मुझ पर झूठा मोलेस्टेशन का केस लगा दिया। ये बात तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सच तुम भी जानती हो और मैं भी, और जो कुछ भी तुमने मीडिया के सामने कहा वो सब झूठ था। वो मोलेस्टेशन का केस झूठा था। पहले हम सबको ये लगा कि ये सब तुमने ऋत्विक के लिए किया, लेकिन नहीं, बाद में हमें पता चलता है कि ये सब तुमने ऋत्विक के लिए नहीं किया बल्कि किसी और के कहने पर, और ऋत्विक भी ये बात जानता था। मोनिशा, कम ऑन, टेल मी, कौन है वो जिसके कहने पर तुमने ये किया और क्यों किया? मैं तुझे 70% प्रॉफिट शेयर दूंगा। अपनी गर्लफ्रेंड को एक रात के लिए मुझे दे दे। अपने लिए नहीं, करण लूथरा के लिए मांग रहा हूं। इस गिल्ली डंडा प्लेयर की एक एक बात तीर की तरह चल रही है। ये सारे तीर घूम फिर कर मेरी तरफ ही क्यों आते हैं? अच्छी खासी शादी हो रही थी यार। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, चुप क्यों? मैं अभी इसी वक्त इसी मंडप पे तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी हूं। बस मुझे उस मास्टरमाइंड का नाम चाहिए, सबूत के साथ। बोलो। करण पुत्र छोड़ो ना, हमें इससे क्या करना, इससे किसने क्या काम करवाया? करण पुत्र, इससे अपना पीछा छुड़वा बस। हाँ करण बेटा, हमें नहीं जाना है कि मास्टरमाइंड कौन है। फिलहाल हम यही चाहते हैं कि तुम इस लड़की के साथ शादी मत करो। मोनिशा, चुप क्यों? तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं, क्या है उस मास्टरमाइंड का नाम? जवाब दो। ओह नो, अब ये लोमड़ी क्या करेगी? कहीं मेरा नाम ना बता दे। चीटर का नाम छुपा कर कोई फायदा नहीं। मुझे शादी से मतलब है, अपने मकसद से मतलब है। इस मंडप तक पहुंचने के बाद मैं इस शादी से बैकआउट नहीं कर सकती। मुझे लूथरा से बदला लेना, इन्हें बर्बाद करना, फिर चाहे मुझे इस पृथ्वी का सच सबके सामने क्यों ना बताना पड़े, मैं बताऊंगी। ठीक है, तुम्हें ये जानना है ना कि मास्टरमाइंड कौन है? क्या? तो मैं तुम्हें उस मास्टरमाइंड का नाम बताऊंगी। सेठ, क्या नाम है उसका? उसका नाम है, रुको, बिल्ला गन वापिस करो मेरी, मैं कहता हूँ। बिल्ला गन दो मेरी, क्या कहता हूँ, गन दो मेरी बिल्ला। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, कोई शानपति नहीं, अगर एक कदम भी हिलाना तो गोली चला दूंगा। Damn it! अब तक तो ये लोमड़ी मेरा पर्दाफाश करने वाली थी, अब ये दूसरा भी आ गया। अब एक नहीं, दो दो सिर पे आके बैठे हुए हैं। करूं तो क्या करूं, इन दोनों से कैसे बचूं? देखो बिल्ला, ज्यादा शानपति नहीं। देखो गन वापिस करो मेरी, मैं कहता हूं, मैं कहता हूं, गन वापिस, गन वापिस करो बिल्ला मेरी। चुप! जाना शानपति नहीं। कौन हो भाई साहब? अपनी उड़ा दो मेरी तो। कौन हो भाई साहब आप? मैंने क्या किया, मैंने क्या बिगाड़ा था? आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? प्लीज ऐसा कुछ मत करना। मेरी प्रीता जी कितनी अच्छी है,
आज लग रहा है कि परफेक्ट पत्नी के अवतार में है ये। छोड़ दो प्लीज। चुप। खबरदार जो किसी ने लेक्चर देने की कोशिश की, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम तुम्हें करके ही जाऊंगा। सच सच जानना है तुम लोग को? मैं सच बताऊंगा, लेकिन कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। करण, कम ऑन, डोंट बी मैड। करण, बोलो ना, इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। बहरे हो क्या तुम? सुनाई नहीं दिया बिल्ला भाई ने क्या बोला? बिल्ला भाई ने बोला कि अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो बिल्ला भाई को गुस्सा आ जाएगा। अगर इन्हें गुस्सा आ जाएगा तो इनकी बंदूक से गोली निकलेगी सीधा यहाँ पर और मैं मर जाऊंगा। पिताजी प्लीज समझाइए ना इसे। पिताजी प्लीज समझाइए ना इसे। मेरी बात सुन, मैं और बिल्ला बहुत इंटेलिजेंट है। इनफैक्ट मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है बिल्ला। और एक बात बता, और मेरे हिलने से तुझे क्यों गोली मारेगा? टेल मी। पिताजी समझाइए ना इसे प्लीज। करण प्लीज मत करो ना। देखो सुनो वो क्या कह रहे। पिताजी आप कितनी अच्छी है, आप समझाइए ना इसे प्लीज। चुप। अब यहाँ पे किसने भी बात की ना तो देख लेना। मैंने बोला ना कि मैं यहाँ पे किसी को मारने नहीं आया हूँ, मैं सच बताने आया हूँ। जिस क्रिमिनल ने मुझे इस लफड़े में फंसाया उसके बारे में बताने आया हूँ। पहले मैंने झूठ बोला था लेकिन अब मैं सच बताने आया हूँ। आज मैं उस क्रिमिनल का नाम बताऊंगा। छोड़ छोड़ो ना, मेरा मतलब है प्लीज मुझे 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 छोड़ दो। मैंने क्या किया? मैंने क्या बिगाड़ा तुम? साले तेरी खोपड़ी में छेद करूंगा ना जब समझ में आएगा। अबे ओ बिल्ला के बच्चे, मेरा मतलब है बिल्ला भाई, इतनी भारी गन सिर्फ हाथ में रखने के लिए ली है या चलानी भी आती है? चला के बता क्या तुझे? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, उसकी तरफ से मैं सॉरी कह रही हूँ। मैंने बोला ना कि मैं यहाँ किसी को मारने नहीं आया हूँ, सच बताने आया। माना कि मैं क्रिमिनल हूँ लेकिन हमारी दुनिया में भी बेईमानी हराम है। माना कि मैं बहुत बुरा हूँ लेकिन यहाँ कई लोग मुझसे भी बुरे हैं। इतने बुरे की बुराई भी उनको देखे ना तो शर्मा जाए। इतने बुरे की कांड करके भी बाहर ऐश करे और उनके बदले कोई और बेगुनाह जेल में सड़े। ऐसे बुरे इंसान को बाहर नहीं अंदर होना चाहिए, जेल में संडा चाहिए। एक मिनट, आज तुम सिर्फ सच बोलोगे और इस सच में अगर तुम्हें मेरा नाम भी लेना है ना तो मेरा नाम क्यों लूंगा साहब? आप तो ऋतिक के मर्डर केस में दूर दूर तक नहीं थे, पर मैं तो आपको जानता तक नहीं था, फिर आपके कहने से खून कैसे कर दूंगा? खून तो मैंने किया था और सबको पता है कि किसी ने सुपारी दी थी, पर वो सुपारी आपने नहीं दी थी। ए बिल्ला, मेरा मतलब है बिल्ला भाई, मैं ना आपको इस रक्षाबंधन पे ना 100 राखियां बांधूंगी, लेकिन प्लीज अभी जो आपने बोला है ना कि आप वो रिपीट कर सकते हैं क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि पुलिस ना वो सबूत मांगती है ना इसके लिए, यू नो व्हाट आई मीन, प्लीज एक बार बोल दो ना। देखिए रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया। अगर ऋषभ जी ने नहीं कहा था ऋतिक को मरवाने के लिए तो किसने कहा था? बोलो प्लीज। हाँ बिल्ला बोलो, किसने मर्डर करवाया है, कौन है वो? एक शर्त पर बता दूंगा, उसको पकड़ जरूर लेना। क्योंकि वो बड़ा शातिर, बहुत खतरनाक क्रिमिनल है वो। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस नाम बताओ, तुम बस नाम बताओ। उससे जिसने ये कांड करवाया है ना, वो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। सबके सामने लेकिन किसी को दिखता नहीं, लेकिन वो सबको देखता है। उसका नाम है
इसका तो यही काम है, गुंडागर्दी करना और बड़बड़ करना। अरे ये क्रिमिनल है, आप लोग इसकी बात पर विश्वास मत कीजिएगा। आज कुछ और बोलेगा, कल कुछ और बोलेगा। आप लोग ना प्लीज इसकी बात पर विश्वास मत कीजिएगा, चाहे ये कुछ भी बोल ले। Just shut up! तुम एक मिनट चुप करोगे? वो बता रहा है ना, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? उसे बोलने दो। हाँ पिल्ला, बताओ तुम क्या बता रहे थे, किसका नाम ले रहे हो? इंस्पेक्टर, मुझे पता है, अगर मेरे उस क्रिमिनल का नाम बता भी दिया ना तो आप मुझे छोड़ोगे नहीं, मुझे वापस जेल में डाल दो। लेकिन ठीक है, डाल दो जेल में, लेकिन उस क्रिमिनल को मैं बाहर छोड़ के तो नहीं जा सकता। उसका नाम, उसकी असलियत तुम्हें बता के रहूंगा। माफ कीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। अरे बिल्ला भाई, ये माफी सॉरी वॉरी बाद में मांग लेना, आराम से बैठ के। अभी जिसका नाम आप बता रहे थे ना, उसका तो नाम बता दो यार पहले। प्लीज नाम बता दो। हाँ, प्लीज प्लीज। गया, इस बार तो मैं पक्का गया। अभी मेरा नाम बता देगा, फिर मुझे पुलिस पकड़ लेगी, और फिर मेरी प्रीता जी, जिनको देख के लग रहा है कि अब इनके दिल में मेरे लिए कुछ कुछ शुरू हो गया है, वो भी इतनी मुश्किल से, मेरा नाम सुनते ही ये मुझसे रिश्ता तोड़ देंगी। प्रीता जी, हम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा। सॉरी तो इस सब के बाद मांगना, सॉरी तो तू मांग ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तुझे माफी नहीं करेगी, इनफैक्ट तेरा चेहरा ही नहीं देखेगी, समझा? करन, चुप कर बीच में। बिल्ला बोल। करन तुम भी ना, बिल्ला तुम नाम बताओ। अगर मैंने तुम लोग को उसका नाम बताया ना, तो तुम लोग शॉक्ड हो जाओगे, और इतने शॉक्ड कि मुझे भरोसा नहीं करोगे। अरे हम तो तेरी बात पे पहले से ही भरोसा करके बैठे हैं, तू नाम बता बस। बोलो क्या नाम है। करेंगे हम भरोसा, करेंगे, प्लीज बता दो यार। उसका नाम है, क्या नाम है? ये मोनिशा। इसने मुझे सुपारी दी थी ऋतिक को मारने के लिए, बोली कि ऋतिक बहुत गलत कर रहा है, ये वो करवाना चाहता है जो ये नहीं करना चाहती। ऋतिक के बोलने पे ही करण लूथरा को मोलेस्टेशन के झूठे इल्जाम में फंसाया, और जब मैंने फंसा लिया तो करण लूथरा ने मुझे शादी का प्रपोजल दिया। फिर इसने सोचा कि ऋतिक से लाख गुना अच्छा तो ये करण लूथरा है, ये उसको चाहने लगी और उससे ही शादी करना चाहती थी, लेकिन वो इसका बॉयफ्रेंड ऋतिक नहीं चाहता कि उससे शादी करे। तो फिर इसने मुझे कॉल लगाया, बोली ऋतिक को टपका था, मैंने टपका दिया, लेकिन बाद में लगा मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, एक सही आदमी को टपका दिया। बहुत बहुत दुख हुआ साहब मुझे, पाप हो गया मेरे हाथों से, लेकिन इतना बड़ा पाप मैं अपने दिल पर नहीं ले सकता था, तो सोचा अपने दिल का बोझ उतार दूं और असली कातिल का नाम बता दूं। गिरफ्तार करो इन्हें और लेकर चलो। लेकर चलो इन्हें, लेकर चलो। प्रीता, थैंक यू सो मच बेटा, तूने मेरे करण के लिए इतना कुछ किया, थैंक यू वेरी मच। प्रीता जी, वो जो हेरिटेज होटल का सीसीटीवी फुटेज है वो आप सबको दिखा दीजिए। गणेश जी इधर आइए प्लीज, ये सीढ़ी दीजिए। मैं वो प्लेयर मंगाता हूँ। ऋषभ जी, इसमें तो माँ शारदा के भजन है।
भजन? हेरिटेज होटल की कोई फुटेज नहीं है। आई मीन एक पिक्चर हमें मुनीशा ने दिखाई थी, तो मैंने सोचा कि एक पिक्चर क्रिएट कर हम क्यों नहीं उसे दिखा देते, समझे आप? माँ शारदा के भजन। और ये गणेश है, हमारे हॉस्पिटल के वार्ड बॉय। थैंक यू गणेश जी, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू गणेश। मुझे लगा कि अगर मैं मुनीशा को ये कहूँगी कि हमारे हाथ हेरिटेज होटल की सीसीटीवी फुटेज लग गई है, तो वो डर जाएगी, क्योंकि वो तो जानती है कि वो झूठ बोल रही है और हमें पता है कि सच क्या है, तो डर के मारे सच अपने आप उगल देगी। पर ये तो अच्छा हुआ कि ऐन मौके पर ये बिल्ला आ गया और उसने तो डंके की चोट पर सब कुछ प्रूव ही कर दिया, मास्टरमाइंड का पूरा पर्दाफाश कर दिया। करण, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारी शादी तो मैं नहीं होने दूंगी। थैंक यू प्रीता, ने मेरे करण को बचा दिया। अच्छा दादी, थैंक यू प्रीता, सारा क्रेडिट सारा थैंक यू प्रीता दी को। अरे हमने भी तो जी तोड़ कोशिश की है यार। हाँ, जैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सबने किया। अरे नहीं नहीं, कोशिश कहाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलियन से सृष्टि अरोड़ा, द ग्रेट जासूस सृष्टि अरोड़ा, इन्होंने ही मुझे इस बर्बाद शादी से बचाया। ताली हो जाए। देखिए, आपको जो कुछ कहना पुलिस स्टेशन आकर के प्लीज। सर सुनिए तो, सर सुनिए तो, सर। इट्स सो अनबिलीवेबल जो हुआ है। इसी मिरेकल से कम नहीं था, अचानक सब बदल गया। मैम बताएं, डर तो मैं भी गया था जब मुनीशा यहाँ रूम से भागकर नीचे मंडप में चली गई थी, बहुत डर गया था मैं। यार मुझे भी लगा था कि अब तो भाई कुछ नहीं हो सकता, और ये बिल्ला आया तो मुझे लगा कि ऋषभ जी आपके लिए आया है, तो मैं तो डर ही गई। मुझे लगा कहीं ऋषभ जी को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि कोर्ट में तो ऋषभ जी के खिलाफ ही गवाही दी थी ना उसने, तो अब फिर उसे किसी ने पैसे दे दिए होंगे यहाँ आकर ये सब करने के लिए। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, असली गुनेगार तो पकड़ा गया ना। कितना परेशान किया उसने मेरे ऋषभ भैया को, कितना परेशान रहते थे भैया। एक मिनट गाइस, मुझे लगता है बिल्ला ने सच नहीं कहा। मुझे लगता है वो अपनी बात से पलट गया, जो कहना चाहता था वो नहीं कहा, कुछ और कहा। एग्जैक्टली माय पॉइंट, मुझे भी ऐसे ही लगता है जो करण बोल रहा है, एग्जैक्टली सेम मुझे लगता है। मुझे लगता है एंड मोमेंट पे बिल्ला ने कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर किया, वरना मुनीशा ऋत्विक का मर्डर करवा था। हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। जो भी हो, मुनीशा ऋत्विक से प्यार तो बहुत ज्यादा करती थी। लगता है आप लोग सब एक बात भूल रहे हो कि इस मुनीशा नाम की जंगली बिल्ली ने हमारे साथ क्या क्या किया है। वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, बुरी लड़की है वो। और मुझे नहीं लगता कि वो ऋत्विक से प्यार व्यार करती होगी, क्योंकि अगर वो करती तो करण सर के साथ शादी करने को वो कभी रेडी नहीं होती। ये कौन सा प्यार है भाई? हाँ, कि शादी किसी और के साथ, प्यार किसी और के साथ। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, इससे पहले जितने भी रस्में हुई है ना करण सर के साथ, वो सारी रस्मों में थी, whether it be हल्दी सगाई, मतलब she didn't back out। बात तो सही है, हमने कितनी कोशिश की बैक आउट करे, पर बैक आउट करनी रही थी तो बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है ऋषभ भैया, आप करण भाई और प्रीता, आप तीनों ने उसके बारे में कुछ ज्यादा ही अच्छा सोच रहे हो। अरे वो अच्छी नहीं, बहुत बुरी लड़की है वो, क्या बात कर रहे हो आप सब लोग यार। अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है यार, तू मुझे बता जिसकी आंखों में आज तक उसके लिए प्यार दिखाई देता था, आज हम ये मान लें कि उसने अपने प्यार का मर्डर करवा दिया, ऐसे कैसे पॉसिबल है? मुझे तो लगता है ये काम किसी और ने करवाया। मुझे भी यही लगता, मतलब मुनीशा बुरी तो थी पर इतनी बुरी भी नहीं थी। चलो मान लिया इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन हमारे लिए तो बुरी थी ना भाई वो। थैंक गॉड वो हमारी लाइफ से जा चुकी। लेकिन इसका मतलब समझ रहे हैं ना, बिल्ला ने फिर झूठ बोला। अरे यार दिया, तो फिर से शुरू हो गए। प्लीज ये एक्सेप्ट कर लो कि मोनिशा बुरी लड़की, कोई समझाऊं नहीं। मैं मानती हूँ कि बुरी लड़की है,
लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह रही हूँ कि उसके साथ भी बुरा ही हुआ है। करेक्ट, मुझे लगता है ये सब उस मास्टरमाइंड ने किया है और मनीषा इन सब में फंस गई। दैट्स इट, अभी वो मास्टरमाइंड सेलिब्रेट कर रहा होगा, खुश हो रहा होगा कि सब के बावजूद वो फंसा नहीं। अगर मनीषा ने ये सब नहीं किया है तो मास्टरमाइंड है कौन?